यूपी बलरामपुर में स्थापित 2235 प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की सूरत को बदलने के लिए कायाकल्प योजना लागू की गई थी। पंचायती राज विभाग के जरिए चलाई जा रही इस योजना के तहत सभी परिषदीय और जूनियर विद्यालयों का कायाकल्प किया जाना था, लेकिन विभागीय लापरवाही और अन्य कारणों के चलते यह काम आज भी अधर में ही लटका हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे जर्जर बिल्डिंग वाले स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, हमें बैठने से दिक्कत होती है, बस्ता भी गंदा हो जाता है, इसे हम लोग पढ़ नहीं पाते। दिक्कत पड़ता है और खाना वाना खाकर भी सब पड़ता है और बैठो तो दूर होता है। टारगेट है 15 जनवरी से 31 जनवरी तक रेनोवेट करके अच्छा से टाइल वर्क, दरवाजा, बच्चियों के लिए शौचालय, हैंडपंप, ये सब हम लोग स्कूल का अच्छा करा लें और अच्छे खासे दीवार लिखन करें। सभी BSA और ABSA स्कूल में मॉनिटरिंग के तौर पे लगाया गया है कि आप रेगुलरली इसको जाके देखेंगे, फीडबैक देंगे। इससे में सवाल ये उठता है कि सरकारी दावे जो किए जा रहे हैं कि हम प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ तक सफल है और क्या इन बच्चों के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, ETV भारत के लिए।